आपको चेहरा नहीं ढकना? हाँ नहीं ढकना, ऐसे ही बात करेंगे, ऐसे ही करें। हाँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसे बात। सालों पुराने पेशों की अगर बात की जाए तो एक सदियों पुराना पेशा है वैश्यावृत्ति का। हम एक गांव में हैं जहां की महिलाएं ज़्यादातर ये काम करती हैं। वो काम क्यों करती हैं ये खुद बताएंगी। ये मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला है और गांव का नाम क्या है? नया आबादी ओसारा। नया आबादी ओसारा। ओसारा, ठीक है। तो आपके गांव में ज्यादातर औरतें ये काम करती हैं? नहीं करती है। क्यों करना पड़ता है? मजबूरी है, क्योंकि बच्चों पालने पड़ते हैं, माँ बाप गरीब है, खेती बाड़ी नहीं है, इसलिए करना पड़ता है। और खाने को कुछ नहीं है तो करना पड़ता है हमें मजबूरी में। पानी नहीं है, हमारा घर नहीं है रहने को, रोड नहीं है, कुछ भी नहीं, मकान वकान कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमें करना पड़ता है। कच्चे घर बना रखे हमने, कच्चे घर बना रखे। बताइए बताइए, जो भी बात है आप बताइए। कच्चे घर बना रखे, मजबूरी में करना पड़ता है हमें, जो भी करना है, जो तो में करना पड़ता है हमें, मकान वकान कुछ नहीं है। ये जैसे इनका ये मकान है, मैं आपका नाम बता सकता हूँ? हाँ। ये पूजा जी का मकान है और मकान इसको क्या कहेंगे, एक छोटा सा घरौंदा है और ऊपर टीन शेड लगा रखा है। जब हम यहाँ आए तो हमें पता लगा कि इस गांव में महिलाओं का ये पेशा है, और क्यों पेशा है तो पता लगा कि गरीबी है, गुर्बत है, इसकी वजह से यहाँ पे ये चीज़ें चलती आ रही हैं। तो कब से आपके गांव में ये होता है? तो जब से हमारा बाप, मेरा दादा बा, उनसे ही होता जा रहा है। तो हमारा घर ही नहीं है, मकान ही नहीं है रहने को, पानी नहीं है, बिजली तो अभी लगी, रहने को घर नहीं है, कुछ भी नहीं। ये तो ये कमरे ही है, सरकारी में रह रहे हम, तो ये टूट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये सरकारी है? हाँ सरकारी में आ रहे। आपने भी किया है? सरकारी शादीशुदा हूँ मैं। अच्छा, तो ये आपकी बेटी है? हाँ, बेटी। तो कौन कौन करता है? बहुएं करती हैं, बेटियां करती हैं? जो करती है, हम तो शादीशुदा है। बता रही हैं आप, बताइए। करती है सामने, शादीशुदा नहीं करती है। शादीशुदा नहीं करती, सिर्फ हम ही करते हैं। आप जो है यही इसी गांव से हो आप भी? हाँ। तो आप लोग को जैसे अभी तो पहले तो बता रहे थे कि बहुत पहले से होता आ रहा है आपके गांव में, अब आप लोग को क्यों करना पड़ता? अब तो चीजें बहुत बदल गई हैं। मजबूरी में करते हैं, हमारे माँ बाप का पेट भरते हैं, हमारे छोरे छोरे को भरते हैं, हम क्या खिलाएंगे उनको? इस काम करके धंधा पानी, बच्चे बच्चे का पेट भरते हैं हम। क्या करते हैं आपके घर वाले और लोग क्या करते हैं? मैं आता हूँ बारी बारी से। कुछ भी नहीं करते घर वाले, मेरे माए नहीं है, बाप है दारोड़िया, लंगड़ा लुल्ला है, तो उनसे काम भी नहीं होता है। हम ये काम करके बच्चों का पेट भरते हैं। कितनी कमाई हो जाती है आपकी? कुछ भी नहीं होती, और क्या होती है, एक दो गिराक आ जाता है, खर्चा पानी चल जाता है बस। अच्छा, कहाँ से लोग आते हैं? बाहर से आते हैं, इतना ये पता नहीं कौन से लोग आते हैं हमारे पास, तो हमें ये थोड़ी पता है। तो कितने उम्र में यहाँ लड़कियाँ ये काम शुरू कर देती हैं? उम्र में करती है 15। गरीबी नहीं होती तो 19 साल 18 साल से पहले कोई होती नहीं। जो गरीब होता है वो 18-19 कर देता है। तो आप लोगों को बुरा नहीं लगता कि आपकी बेटियों को ये काम करना पड़ता है? लगता है हमको, क्यों नहीं लगता है? खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है तो हम क्या करें? आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी गुजर गए हमारे, 13 लाख से थी, उनको हमने कर्जा निकला के इलाज कराया, फिर भी ये बचे नहीं। वो आपकी शादी हो गई? शादी हो गई पर वही छोड़ के चल गया वो, मतलब जैसे आने जाने वाला था उन्हें रखी 15 साल, छोड़ के चले गए। हाँ, कोई ग्राहक आता था उसने उनके उन्होंने हाँ दो बच्चे पैदा करके चले गए। उसकी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती मजबूरी में हमें। तो आपके दो बच्चे हैं? हाँ, एक लड़का और एक लड़की। तो उनकी पढ़ाई कैसे कर होती है? मैं करती हूँ, और कौन कर, मैं ही करती हूँ, मैं ही खिलाती हूँ, मैं ही पिलाती हूँ, मैं ही करती हूँ।
शादियाँ होती हैं आपके गांव में बच्चियों की शादियाँ? ये शादी जो खाने पीने वाले हो, खेती बाड़ी वाले हो, उनकी वो शादी कर देते हैं। जो गरीब होता है, जिसकी खेती बाड़ी नहीं है, वो तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता, यही काम करते हैं फिर। तो जैसे आप लोगों का गांव तो इस आसपास लोग सब जानते होंगे, तो आप लोगों की जैसे अभी कल को आपकी शादी होनी हो, तो होती है शादियाँ? हाँ, होती है। आपके जात में होती है? जात छोड़ के भी हो जाती है। जो करने वाला चीत मतलब जात में भी हो जाती है, और जात भी वो सामने वाला खाने पीने वाला हो कि मैं जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, तो उसके साथ भी कर लेते शादी। पर ऐसा कौन मिल रहा है इस जमाने में? दिक्कत होती है शादी कराने में लड़कियों की? कई दिक्कत नहीं होती, कई दिक्कत नहीं होती शादी कराने में, कई दिक्कत नहीं होती। जात वाले मिल जाते तो करा देते शादी। कौन जात है आप लोगों की? हमारी जात बांचड़ा समुदाय। क्या होते हैं ये, मतलब ओबीसी में आते हैं या एससी में आते हैं? एससी। तो आप लोगों को जो आपके बच्चे होते हैं वो पढ़ने लिखने जाते हैं? जाते नहीं। तो आपने भी ये काम किया कभी? नहीं, हम तो शादीशुदा है, हम नहीं करते। क्या डिफरेंस होता है कि कौन करता है और कौन नहीं करेगा? लड़की होती जो करती है, शादीशुदा नहीं करती। आपकी बेटी होगी तो? हाँ, वो करती है। तो कभी मना नहीं करते कि नहीं ये काम हम नहीं करेंगे? मना करेंगे तो खाएंगे क्या? मना करेंगे तो खाने के लिए, पेट भरने के लिए भी तो चाहता है। खेती नहीं है हमारे, कुछ धंधा नहीं है, जाओ तो धन की दस। कोई लड़के होते हो तो मजबूरी में काम करने के लिए जाते तो 300 रुपये लाते है, तो उसमें क्या खर्चा चलता है? 300 रुपये में पेट भरे, बच्चे बच्ची का पढ़ाई लिखाई कराए के क्या करे? तो फिर लड़की को करना ही पड़ता है। आप लोग पढ़ाना चाहते हो बच्चों को? हाँ, पढ़ाना चाहते। पढ़ रही नहीं है स्कूल, सरकारी में जाते। और कितने साल की उम्र में बच्चियाँ ये काम शुरू कर देती हैं? ये 18-19। जब वो पढ़ते हैं तो उनको, आपके गांव के लोगों को, दूसरे गांव के लोग किस तरह नज़रिए से देखते हैं? नज़रिए से तो क्या देखे, अब ये गिरा कार्य जाते हैं और क्या है, सबको पता है आने वाले को कि होता है यहाँ पे ऐसा काम। पुलिस ने हमें परेशान नहीं करा, पुलिस ने ये बोलती है कि कितनों के बहन बेटियों के बलात्कार बचाए इन्होंने, ये बोलती है। कैसे? कि ये धंधा नहीं करती तो जाने कितनी बहन बेटियों का बलात्कार होता, जाने कितनी बहन बेटियां मरती, या जाने कितनी बहन बेटियों को उठा के ले जाते हैं। तो इसमें बहन बेटियों का उनों की भलाई चाहते हैं, हमारी तो बर्बादी चाहते हैं। आपको ये काम कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, कुछ और काम मिल जाए? बिल्कुल, हम सोचते हैं हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हमें हम नहीं करना चाहते। बिल्कुल हमें बोलना चाहिए कि हमें कुछ और मिल जाए, तो ये बिल्कुल हम बंद करना चाहते। जो जैसे ये मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, तो ये जो योजनाएं चलाती हैं या जो केंद्र की मोदी सरकार है, तो आपके गांव को उन योजनाओं का लाभ मिलता है? मेरे को तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। ये घर आप बता रही थी? हाँ, तो ये घर तो मैंने सरकारी बना रखा है, ये तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना होती है उसमें जो पक्के मकान बनते हैं, तो आपके गांव में बने वैसे मकान? कोई मकान नहीं बना। और राशन जो मिलता है? राशन जो आधार कार्ड अपडेट कराए तो देते हैं, नहीं तो ये जन क्या क्या योजना चला दी तो मिलते, तो मिलते हैं, नहीं तो नहीं भी देते हैं। हाँ। और जितना मिलता है उतने में चल जाता है? नहीं चलता, नहीं चलता। मोल का खाना पड़ता है, हाँ, फिर बच्चों को कहाँ से पाले। हाँ। आपकी शादी हो गई? नहीं हुई। ऐसी धंधे वाली है हम तो, तीन, हाँ, इनके 8 बच्चे, इनके 4 बच्चे, 3 बच्चे, मेरे 2 बच्चे, तो हमारे एडजस्ट करते हैं, जैसे भी मिलता है तो हम एडजस्ट करते हैं। तो जैसे इनके 8 बच्चे और शादी नहीं हुई, तो जो ग्राहक आते हैं उनके बच्चे हैं? हाँ, वो जैसे पर्सनल रखा था ना, उनके बच्चे हैं, तो वो भी चले गए, वो छोड़ के चल गए, ये खुद ही पालती है। बताइए क्या कहानी है ये, क्या बात है ये, कैसे, थोड़ा सा
कौन लोग मतलब जो बच्चे आपके हैं आपको खुद पालना पड़ता है? हाँ मैं पालती हूँ, और कौन पालेगा, वो तो रख रखा था चला गया, वो तो छोड़ के। कितने दिन आपके साथ रहा? वो 15-16 साल से रहा था, फिर आपको छोड़ दिया। और आपके 8 बच्चे हैं, 8 बच्चों को पालना तो बहुत मुश्किल होता होगा? बहुत मुश्किल हो रहा है। आप क्या चाहते हो आपके बच्चे बड़े होकर क्या करें? हमें जगह जमीन दे दो, जो पाल खाएंगे हम, और क्या है, और क्या चीज, काम धंधा दे दो तो कर लेंगे हम। और कब से आप इस धंधे में है? देख लो आप उम्र। तो इसमें कई बार, बहुत बार ऐसा होता होगा कि कुछ बीमारियां हो जाती होंगी? हाँ, बिल्कुल होती है, एड्स होता है, टीवी हो जाती है, सब कुछ होता है, पर हम सेफ्टी से जाते हैं और सेफ्टी से सब रहते हैं। तो आप लोगों को अस्पताल कहाँ पे आसपास है? अस्पताल हमारा आसपास नहीं है, हमारे भवानी मंडी के आते हैं, आज ही जाँच हुई है हमारी, हमारे सारे नॉर्मल जाँच आई है। तो आप बराबर जाँच कराते रहते? हाँ बिल्कुल, हर महीने जाँच करवाते हैं हम। तो डर लगता है इससे? हाँ, एड्स से सबसे अधिकतर तो एड्स से डर लगता है हमें। जितनी बार जांच कराने जाती हूँ उतनी बार मन में ये डर बना रहता है? हाँ बिल्कुल रहता है, बना है, बिल्कुल डर बनाए रहता है कि जो व्यक्ति हमारे पास आ रहा, मान लो हमने तो सेफ्टी लगा दी, वो उतर गया, तो हमें डर रहता ही रहता है, मतलब तो हर महीने हम जांच करवाते हैं। तो अभी भी जांच करो या आज ही, तो नॉर्मल जांच आई हमारी। आप लोग भी जांच कराते हो? हाँ। आप इधर आ जाएंगे तो जो है मेरा माइक आसानी से पहुंच। आज ही करवाई जांच नॉर्मल ही है। तो आप इसी गांव की हो? इसी गांव की हो। कब से आप ये काम कर रही हैं? कब से करती हूँ? कब से? हो गए तीन बच्चे। तीन मेरे तीन बच्चे? हाँ तीन बच्चे। और उन बच्चों का पढ़ाई लिखाई करवाती हैं आप? करवाते नहीं, नहीं पढ़ते। तो वो बच्चे, आपकी शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुई, आदमी रख रखा था, छोड़ के चल गया आदमी। तीन बच्चों को मैं ही पालती हूँ। तो जब आप लोगों को पता है ये बात कि ऐसे लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो रख लेते हैं वो, फिर बाद में धोखा दे के चल जाते हैं। मजबूरी में यही काम करते हैं, पहले लड़कियों को फंसा लेते हैं प्यार मोहब्बत में, फिर बच्चे पैदा कर लेते हैं, फिर बाद में धोखा दे के चल जाते हैं वो। हाँ अभी मेरा बच्चा वो 50,000 रुपये लगे नूना अस्पताल में, ऑपरेशन से हुआ बच्चा मेरे, वो मेरा खर्चा मैंने उठाया है, वो तो चल लगाया छोड़ के। तो तीनों बच्चे आपके एक ही आदमी से? हाँ एक ही आदमी से। तो जब पहले दो बच्चे हुए तब तक वो साथ देता था? देता था, खर्चा पानी देता था, आता जाता था, फिर बाद में आना छोड़ दिया था, जब एक और लड़का हुआ ना छोटा वाला, उस टाइम आना छोड़ दिया उसने, उसके बाद में नहीं आया। तो आप लोग अपने बच्चों का भविष्य क्या देखते हैं? ये काम करके ना ये बच्चों का पेट भरते हैं। आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे बड़े होकर क्या करें? बड़े पढ़ाई लिखाई कराएंगे उनकी, ये काम नहीं करने देना? ये नहीं करने देंगे, पढ़ाई लिखाई कराएंगे, जब तक हम जिंदा है जब तक पढ़ाई लिखाई कराएंगे, उसके बाद में हमारे मरने के बाद में क्या होता है, हमें कोई सरकार दे देती हो तो हम ये काम छोड़ देंगे, हम ये काम करना भी नहीं चाहते, मजबूर में ये काम करना चाहते हैं हम। हमें धंधे से बहुत ज़्यादा परेशान है हम, बहुत दुखी हूँ मैं, आपको क्या बताऊँ, मेरा बाप ही लंगड़ा है, मेरी तो माँ ही बचपन में छोड़ के मर गई हो, कोई भी नहीं पालता है, मेरे बच्चे की मैं ही पालती हूँ। तो जैसे एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपके गांव में, आप के जो गांव में मर्द हैं वो क्या करते हैं? मर्द एक मेरा भाई है, मेरे पापा गुजर गए, तो मेरा भाई है वो गांव में रहता है, उनकी बीवी बच्चों के साथ में, अब हम तो अकेले रहते हैं, तो अकेले हमारा गुजारा हमें बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल,
जो अब एक बात और बताइए, जब चुनाव आता है तो नेता लोग आते हैं आपके गांव में? नेता लोग नहीं आते, सरपंच लोग आते हैं और ये बोलते हैं कि हम उनको परेशानी बताते ना कि हमको पानी चाहिए और रोड, हमें जाने आने के लिए रोड चाहिए, तो ये बोलते हैं कि हाँ हम करवा देंगे। तो ऐसे करके हमारे से वोट ले लेते हैं और फिर बाद में वो जीतने के बाद में कुछ भी नहीं बोलते। हो क्या कहते हैं सरपंच, किसको वोट दो? सरपंच बोलते हैं कि कांग्रेस को दो, गुलाब को दो, कमल को दो। तो दे दे के हमने परेशान हो गए, किसी चीज से हमें लगाव आया है नहीं अभी तक। क्या समस्या है आपकी गांव की मेन? पानी की, रोड की, पानी की और इसकी रोड की। कितना बड़ा गांव है आपका? हमारा 25 से 30 मकान है यहाँ से और वहाँ तक, 43-40 मकान है हमारे। 43-40 हाँ। और जो ये पूरे गांव में ऐसे पक्के मकान नहीं है? है, बहुत सके है और हमारे नहीं है। तो जो ये नेता लोग वादा करते हैं, आप लोगों टीवी देखते हो? टीवी नहीं मेरे तो घर में नहीं। अच्छा एक बात और बताइए, जैसे अभी एक कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी, उसमें वो दिखाते हैं कि कई बार ग्राहक आते हैं और रुकते हैं और चले जाते हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं जो बहुत ही ब्रूटल होते हैं, बहुत ही हिंसक होते हैं, ऐसा होता है आपके साथ? बिल्कुल होते और चले जाते हो, मतलब वो चोट के निशान देते हैं? हाँ। मारते पीटते हैं? हाँ, चले जाते हो। तो आप लोग उसको विरोध नहीं करते? विरोध किससे करे, हमारे पास मर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम किससे करे, कोई बोलने वाला नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हम सहन करते। तो ये बच्चे जो हैं यहाँ पे आपके, मैं देख रहा था गांव में और भी बहुत सारी कम उम्र की भी लड़कियां हैं, वो भी ये कैमरे के सामने नहीं आ रही थी, वो भी ये काम करती हैं? नहीं, जिसकी सगाई करी ना वो शादी करेंगे, वो कैमरे के सामने नहीं आएंगे। जिसकी शादी है? हाँ, जिसकी शादी होनी है वो नहीं आएगा? हाँ, सगाई होगी उनकी तो वो इस काम में पड़ेंगे, नहीं धंधा भी नहीं करेंगे। हाँ। और जिसकी नहीं होती है वो सामने आ जाती। आपने नहीं की शादी? मैंने शादी नहीं करी। आप सिंदूर और बिंदी लगाते हो? बिल्कुल, मांग भरती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ, बिंदी भी लगाती हूँ। छोड़ के चला गया वो तो, मेरे को बच्चे पालने हैं ना मेरे को। मतलब ये थोड़ा सा बहुत अजीब सवाल है, जैसे आपको अपने बच्चों को स्कूल में नाम लिखवाया है? हाँ। तो पिता का नाम क्या लिखवाते हो? उनके बाप का नाम लिखा रहा, लिखवाया। हाँ। लेकिन वो चले गए यहाँ से। हाँ। आप अपना गांव दिखाएंगे थोड़ा मुझे, कैसा है गांव में, क्या क्या समस्या है? देख लो, चलिए। ये भी एक जिंदगी है और इनकी समस्याएं हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन आप इनके पेशे से इनको जज मत करिए, आप इनकी मजबूरी देखिए कि इनको ये काम आखिर करना क्यों पड़ रहा है। और जो आराम से जीत बाहर निकलना, थोड़ा सा देखिए दरवाज़ा, आराम से सिर झुका करके, दरवाज़ा बिल्कुल छोटा है, आप चलेंगे? हाँ, गांव तो है ना, ये पूरा गांव इधर है। हाँ। और इसी तरीके के घर है? हाँ, इधर और भी मकान है। और हमारे तो इधर यही मकान है। हाँ। उधर तो पक्के मकान भी है। अच्छा, जैसे जो लोग आते हैं वो आप लोगों को कितने पैसे ऑफर करते हैं? 200 से 250। और इसमें आपका चल जाता है? हाँ, 2-5 जने आ जाते हैं तो चल जाता है, और क्या। ये बाकी आपका गांव है तो इस बाकी गांव में भी लोग ये काम करते हैं? हाँ। ये क्या नाम बताया था आपने गांव का? नया अवधि ओसारा। अच्छा, कुछ मैं मुझे समझ में नहीं आया गांव का नाम, लेकिन ये है गांव और गांव की स्थिति आप देखेंगे तो बहुत ही आपको समृद्ध नहीं नज़र आएगा। गांव में एक दुकान है, ऐसे पतली पतली सी गलियां हैं और अंदर जो है इस तरीके के घर हैं। 600 रुपये जगह ना? कुछ यहाँ पक्के मकान भी बने नज़र आते हैं। ये सब गांव इन्हीं का है? अच्छा,
गांव में आप देखेंगे तो ऐसे पतली सी गलियां हैं और जो नेताओं ने वादे पोस्टर लगा रखे हैं, चुनाव चल रहा है तो सब ने अपना नाम वाम लिख रखा है। कितना बड़ा गांव है आपका, कितने लोग रहते हैं इस गांव में? हाँ अच्छा, अरे तो बोलने में कुछ छोड़ जा रहा, आपका बोलने में क्या है? कोई बात नहीं है। आपका क्या नाम है? रविंदर। क्या करते हो रविंदर आप? कहीं नहीं, खेती। खेती करते, खेत हैं आप लोगों के? खेती नहीं है आप ये, तो खेती कुछ भी नहीं है। कितने किस किसके घर में, फिर किसके खेत में खेती करते हो आप? लोग तो आप कोई बुलाते उसके उसके साथ जाते, मजबूरी मजदूरी करते। अच्छा, आप इधर तो आप जो है आपके गांव की ज़्यादातर औरतें क्या करती हैं? जो है पानी की समस्या, पानी की नहीं है और रोड भी इतनी समस्या नहीं और तो पानी वहाँ से लाते हैं राजस्थान पे बाजार में। आपको पानी राजस्थान से लाना पड़ता है? ये मैं एक बात और बता दूं कि ये जो गांव है ये एकदम बॉर्डर पे है, मध्य प्रदेश और एमपी का, मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर है। उस गांव क्या नाम है आप गांव का? मैं गांव का नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा। छतरपुरा। छतरपुरा। तो इस गांव में ज़्यादातर जो महिलाएं हैं हमें बताया गया वो यहाँ पे आपके गांव में वैश्यावृत्ति का काम करती हैं, तो पुरुष क्या करते हैं? कुछ नहीं करती है। हाँ। लगे सब उधर भी खड़े, उधर ये सब आपके, ये सब आपके गांव के लोग हैं? हाँ। हाँ? आगे चलो। ये जो गांव है इस गांव में ज़्यादातर महिलाएं ये काम करती हैं? ज़्यादातर यही काम करती है। अच्छा, आजीविका का इनके और कोई साधन दूसरा नहीं है? नहीं, और कुछ भी नहीं है सर इनके, सारा ये काम करती है। 75% 75% यही काम करती है महिलाएं। तो आप जैसे बहुत बता रहे थे कि बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं, अब जैसे रोजगार के बहुत साधन हो गए हैं तो क्या बदला नहीं चीज़ें? बोलो बोलो, आप लोग जो समस्या है बोलो। नल नहीं, पीने का पानी आप लोग कहाँ से लाते हैं? और यहाँ बाजार से लाते हैं। हाँ। बाजार से लाते हैं। कहाँ से? बाजार में से, फाटक पार। फाटक पार। हाँ। तो और जो है आप लोग के घर गांव में हैंडपंप नहीं है, नल नहीं है? हैंडपंप भी नहीं है और क्या नाम जरे ये नल भी नहीं है और क्या नाम लाइट, ये रोड भी नहीं है, कीचड़ में रहते। बारिश होती है तो बहुत दिक्कत होती होगी? दिक्कत होती है। कितने कितने लोगों का गांव है ये, मतलब कितने घर होंगे इस गांव में? 200 घर तो होंगे। 200। तो ये बताइए जब नेता लोग आते हैं वोट मांगने तो आप उनसे कहते नहीं कि ये काम हमारा करवाओ आप? हाँ, जब नेता लोग वोट मांगने आते हैं तो आप उनसे कहते नहीं? कहते हैं। लाइट का बिल भी ज्यादा आता है हमारे। लाइट का बिल कितना आता है? 350-400। हाँ। कोई बात नहीं, आप झिझको मत, आप आराम से बताओ जो आपकी समस्या है, जो आपकी मांग है। हमारे काई की खेती, काई की बाड़ी कुछ भी नहीं है हमारे, तो खेती बाड़ी की दसोरी करके खाते हैं हम तो। हाँ। ये 200-300 हम दान के चल जाते, कोई आदमी पत्थर तोकने। हाँ। चल जाते पत्थर तोक तोक के पेट भरते हैं हमारे। बच्चों को आप लोग पढ़ाते हैं? पैसे पढ़ाने के तो आप लोग को जैसे सरकार से क्या मांग है कि हमको ये चीज मिलनी चाहिए तब हम वोट देंगे? तो पानी की व्यवस्था कर दो और रोड की व्यवस्था कर दो और क्या नाम जरे लाइट की व्यवस्था कर दो। लाइट तो है अभी, लाइट में तो बिल ज्यादा आ रहा ना। कितना आता है बिल? 400-500 रुपए आता है, जो क्या नाम हम गरीब है, कहाँ से भरे इतना पैसा हर महीने का। और खेती किसानी है आप लोग? क्या हमारा तो खेती किसानी कुछ भी नहीं है, नहीं। अब तक जैसे ये मंदसौर जिला है, आप लोग क्या के बड़े नेता आते हैं वोट मांगने के लिए? नहीं आए कभी, नहीं हाँ कभी नहीं आए। कैसे वोट देते हो आप लोग? जैसे एक लाडली बहन योजना चल रही, लाडली लक्ष्मी, उसका पैसा मिलता है आप लोगों को? सारे झूठ के बोले। उसका मिलता है? और क्या क्या मिलता है उससे? चल जाता है, घर चलता है आप लोगों का, मदद हो जाती है थोड़ी बहुत? थोड़ी
गरीबों तो होवे मदद क्यों नहीं हो। और क्या चाहती हैं सरकार से कि और क्या करें आपके लिए? पानी की व्यवस्था कर दो पीने की हमारी। और सबसे बड़ी समस्या इस गांव की पीने के पानी की। पानी एक पटरी पार जावे, क्या पता गाड़ी घोड़े में छोटे छोटे बच्चे जावे, हमारे गाड़ी वाड़ी में कट जावे, हमारे ट्रेन के इसके बाजार में जाना पड़े पानी लेने के लिए, बाजार में जाना पड़े पानी लेने के लिए पीने का। आपके यहाँ खारा पानी है क्या? खारा पानी है पर हेडपम्प ही नहीं, नहाने धोने का ही नहीं, नहाने धोने का ही पटरी के पास में। कितना पानी लाना पड़ता आप लोगों को? लाना पड़ता है बस 15-20 टंकी लाना पड़ता है, जब जाके नहाते ही, जब जाके नहाना धोना होता है, जब जाके कपड़े लाते धोने होते, 5-7 दिन में 8 दिन में एक बार कपड़े धुलाते। ये बताइए कि सिलेंडर है आप लोगों के पास? गैस सिलेंडर है तो उसको भरवा लेते हैं आप लोग? हाँ भराते तो है सर, क्या करें। नहीं मैं इसलिए देखा क्योंकि चूल्हा यहाँ पे लगा हुआ है, तो सिलेंडर भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं। महंगा लगता है या सस्ता लगता है? महंगा लगे 1400-1500 तक मिलती टंकी। अच्छा हाँ। तो आप लोग के यहाँ जो है 1400-1500 रुपए लगते हैं, अभी तो सरकार कह रही 500 में देंगे। हमारा तो हम हमेशा भरवा रहे 1400-1500 रुपए लगे हमेशा भरवा। आप लोग के ज्यादा काम जो आप राजस्थान जाते हो करने या मध्य प्रदेश में होता है? काम हम राजस्थान में। हाँ पत्थर तो वहीं पे तोड़ते हैं राजस्थान में। पत्थर तोड़ती हैं? पत्थर तोड़ते हैं हमारा आदमी। अच्छा और आप क्या करते हैं? धान की तसली करते, कोई खेती वाले बुला ले तो धान की चल जाते। तो ये गांव की स्थिति है। गांव में दो तरह के लोग हैं, एक तो मजदूरी करते हैं, एक गृहिणियाँ हैं जो खेतों में जो के किसानी का मजदूरी करती हैं, और दूसरी जो जिससे हमने शुरू में बातचीत की वो वैश्यावृत्ति के पेशे में है, और उनकी कहानी आपने सुन ली तो उससे आपको उनकी कहानी से समझ में आया होगा कि आखिर ये पेशा क्यों, इस पेशे में ये क्यों है और क्यों ये सालों से चला आ रहा है। एक सामाजिक परिवर्तन और उत्थान की ज़रूरत है इस गांव में भी और देश के ऐसे कई गांवों में जहाँ पर ये पेशा चला आ रहा है। लंबे वक्त से ये काम होता है, समाज की नज़र में ये काम भले ही बुरा माना जाता हो, सामाजिक दृष्टिकोण से भले ही इसको बुरा और बुरे नज़रिए से देखा जाता हो, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो मजबूरी है, और उसको आप शायद इस बातचीत और इस वीडियो के ज़रिए समझ पा रहे हो। क्या बता रहे थे आप? बता रहे थे अभी खानदानी काम है, ये तो हमारा परम्परा, अभी हमारा धंधा नहीं हो तो जाना कितने बलात्कार हो गाँव में हो कि नहीं हो। अभी हमारे इधर एरिया में होते हैं क्या बलात्कार ही नहीं होता हमारे इधर में, खानदानी काम है तो परंपरा। समस्या क्या है? समस्या क्या? समस्या से करते अपन धंधा, वो बताना। हाँ समस्या हमारे कोई नौकरी नहीं लगती है। हाँ आज इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ सर, सर समस्या तो ये है, अब हमारा जो समाज है इस समाज को कोई कौन सा समाज? अपना नहीं, बांचड़ा समाज है। बांचड़ा समाज है सर। क्या करते हैं आप सर? ये जो धंधा है ये तो जैसे कोई धंधा तो कर रहे है पर इनकी समस्या नौकरी लगती है, पढ़ाई भी करते तो कोई नौकरी लगाता है क्या? पैसे मांगते हैं कि इतने पैसे लगा देंगे जब तक नौकरी मिलेगी, और कोई भी आता है तो कोई कुछ ये नहीं पूछता है कि तुम्हारा हाल क्या है, क्या चाल है, बस वो चुनाव के टाइम आएंगे और काम करके चल जाएंगे, उनका काम होगा जो पहले तो हमसे हाथ हमारा हाथ जोड़ेंगे, फिर बाद में जो हमारा हाथ जोड़ाएंगे वो हम उसके पैर में जाएंगे, पहले तो हमारे पैर में वो आएंगे फिर हम उसके पैर में जाएंगे, तो ये क्या मतलब है? तो हमारा तो ये है कि समस्या है, कोई नौकरी मिल जाए तो सब धंधा छोड़ दे, कोई वैसा वर्ती नहीं करेगी यहाँ पे। अगर सबको मतलब नौकरी पैसा मिल जाएगा ना तो कोई भी नहीं करेगी। पानी की भी समस्या है यहाँ पे, पानी लेने जाना तो पाड़क पार करके जाना पड़ता है, रिक्सी है। कितनी उम्र में यहाँ लड़कियाँ ये काम शुरू कर देती? यही पीढ़ी होगी सर, बहुत सारी पीढ़ी होगी, तो हमें भी याद नहीं है इतने की कितनी पीढ़ी होगी, ये तो हमने बचपन से देखा, बचपन से ही देखा आपने, बचपन से ही देखा, जाना कितनी पीढ़ी होगी, बहुत पुराने लोग मर गए यही। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को बीमारियाँ भी हो जाती होंगी? नहीं 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 कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं होती। अच्छा ऐसा कई बार होता है कि लोग आपके यहाँ दिन रात सब हर समय आते हैं? आते हैं ना सर, आते गुजारा पानी चल जाता है, आते हैं हमेशा आते हैं, पर वो क्या है कि सर अब इनका धंधा है तो अभी क्या बिचारे क्या, अब इनको अगर नौकरी पैसा मिल जाएगी धंधा नहीं करेगी, ये बात है। अगर आप क्या करते हो सर? मेरे तो गारमेंट की दुकान है कपड़े की, जो ये अपने गाँव समाज से हूँ सर, कपड़े का धंधा करता हूँ सर मैं। आपको कैसा लगता है आपके गाँव के लोग जब ये काम करते हैं और आपको बताया जाता है कि इनके गाँव के ऐसा है तो बुरा लगता है? लगता है, अच्छा नहीं लगता है सर, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। हम किसी जगह बैठते हैं कोई बात करते हैं कि तुम्हारे गांव में ऐसा धंधा, तो हमको किसी अच्छा थोड़ी लगेगा, बुरा ही लगेगा ना, क्यों मेरे घर में। क्या चाहते हो कि आपके जो गांव की महिलाएं उनको क्या मिल जाए जो है कि वो उससे सही हो जाए? अगर कोई अगर ऐसी नौकरी पैसा मिल जावे या कुछ रोज़गार मिल जावे
तो ये धंधा छोड़ देंगे सर। सिलाई कढ़ाई बुनाई अगर कोई ऑटो मशीन वो चल रहे ना अभी सिटियों में दे रहे बेरोजगार को, लड़कियों को ऑटो चला रही है धंधा, मतलब उनका नौकरी करना चाहेंगे ये लोग करेंगे कर जाएगी बिल्कुल बिल्कुल सर करेगी बिल्कुल क्यों नहीं करेगी। अगर उनको अगर नौकरी मिलेगी तो ये ऐसा धंधा थोड़ी करेगी, ये नौकरी नहीं मिलती इसलिए तो धंधा करती है, क्योंकि घर में कोई नहीं रहता तो देख लो लड़की है तो एक लड़की रहेगी तो उसको घर में उसको बुरा नहीं मानते लोग यहाँ पे कि ये काम बुरा है। बुरा था सबको लगता है, वो कह रहे थे कि ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा है, पीढ़ियों से तो चला वो नॉर्मल हो गई चीज़ें पीढ़ियों से चला रहा, चलो वो एक समय समस्या थी अब तो और ज़्यादा समस्या होगी, तो पहले कम थी वैसे वर्ती अब ज़्यादा होगी ना सर, तो उसको कम करने के लिए तो कुछ रोजगार मिलेगा तो कम। गांव में समाज सेवक आते हैं, समाज कुछ ऐसे एनजीओ के लोग आते हैं काम करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए? नहीं ऐसा तभी तो कैसा ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, यहाँ पे आया भी नहीं कोई और ऐसा कोई अभी तक है भी नहीं सर कि कोई पूछताछ करने वाला भी नहीं आया कि आप धंधा क्यों करते हो क्यों नहीं करते हो, अगर इनको रोजगार मिलेगा धंधा ही नहीं करेगा। अब कौन सा विधानसभा है ये सर? ये तो पता नहीं मुझे विधानसभा के बारे में, पर ये नई अवधि ओसरा से जुड़ा हुआ है हाँ, और ये इसका नाम गांव का नाम है छतरपुरा, और उधर भी है दोनों तरफ है फटक पीली तरफ भी है इधर घर भी महिलाएं ये काम करती हैं? नहीं इसमें जो सर जो लड़कियां वो धंधा करती है वो बाकी शादीशुदा है तो शादीशुदा ही है वो, तो जो लड़कियां धंधा करती हैं उनकी शादी तो नहीं हो पाती? नहीं होती सर नहीं होती है, वो धंधे पर रहती सर, वो शादी नहीं करती, वो अपने मर्जी से करती है सर, अगर वो बोल दे कि मैं शादी करूँ तो शादी करेगी, वो हमेशा शादीशुदा ही रहेगी, अगर शादी होने के बाद अगर पति भी मर गया ना तो हमारे समाज में उसको वापस ये नहीं करते ऐसे धंधे में डालते, वो कुंवारी तो कुंवारी ऐसी रहेगी मतलब विधवा तो विधवा ही रहेगी। और जो धंधे में चला गया फिर एक उम्र हो जाती है उसके बाद उनको ऐसा भी होता होगा कि ग्राहक कम मिलते होंगे तो उनका खर्चा कैसे चलता है? वो तो सर फिर वो क्या है कि बूढ़ी हो जाती है 10-20-50 रुपये जो लड़कियाँ हैं जो धंधा चलते 10-25 रुपये वो दे देती है बस, यही है बहुत मुश्किल से गुजरा था उसका भी, और बहुत सारे तो ऐसे ही मर जाते हैं उसको कोई पालता भी नहीं बेचारी को। और फिर उनके बच्चे जैसे मैं अभी बात कर रहा था तो ठीक है, जिसके बच्चा नहीं तो सर उसके तो बहुत बड़ी समस्या है, उसके जिसके तो बच्चा फिर भी वो भी बच्चा भी ऐसा होना चाहिए वो अगर समझदार रहेगा तो वो पालेगा। वो बच्ची जैसे बड़ी होती है तो उनकी बेटियाँ भी लग जाती हैं उसमें? हाँ सर देखो ये तो अगर जो समझदार अगर हो पढ़ी लिखी हो तो बहन बेटी हो ये काम नहीं करेगी, अगर वो पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहेगी और अगर नौकरी पैसा मिलेगा उसको, और हाँ क्या शुरू से बताएगा हाँ नौकरी आप पढ़ाई करो नौकरी मिलेगी हमारे समाज वाले को वाचड़ा समाज से, अगर ये करेंगे तो होगी नहीं सर, अगर नौकरी मिल गई हमारे समाज से तो पढ़ाएंगे सर। कोई गांव से ऐसा है जिसकी सरकारी नौकरी लगी हो? है ना सर हमारे हमारे है हड़ भी ना अपने वहाँ पे मिल लगी थी एक लड़की को नौकरी, लोगों को पढ़ाते हैं स्कूल जाते हैं बच्चे यहाँ जाते हैं ना स्कूल जाते हैं जाते हैं स्कूल भी जाते हैं स्कूल भी जाते हैं सर स्कूल भी जाते हैं। अब देखो ऐसे ऐसे ऐसा चल रहा है देखो ऐसे रह रहे लोग बेचारे। तो आप लोग जब वोट देते हो तो क्या सोच के वोट देते हो? ये तो क्या है सर वोट तो क्या है बहुत सारा पैसे देके भी दे देते हैं ना, समझते नहीं है, और कोई समझदार व्यक्ति रहता तो वो कहता है भाई हमारे नल का व्यवस्था करो, बिजली की व्यवस्था नहीं थी बिजली की व्यवस्था तो अभी होगी चलो फिर पहले नहीं थी, पानी की व्यवस्था अभी अभी चल रही है अभी अभी हुई नहीं है पर खोद के घरे गए हो ये भी नहीं है व्यवस्था अभी पानी की तो, और हमारे तो सर अगर नौकरी लग जाए इनकी तो करेगी नहीं धंधा। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ने वाला ये छतरपुरा गांव और इस गांव की कहानी हमने आपको दिखाई, कहानी कुछ ऐसी है कि महिलाएं इस गांव की बहुत सारी लड़कियां वैश्यवृत्ति का काम करती हैं और उन्होंने उस काम की वजह भी बताई कि उनकी मजबूरी है और यहां पे जो है उस तरीके की सुविधाएँ मिली नहीं तो पुराने समय से लोग इस धंधे में जाने लगे और वो एक रिवाज सा चल पड़ा। दो तरह की महिलाएँ हैं गाँव में, एक जो इस तरह का काम वैश्यवृत्ति के काम में जाती हैं, एक वो जिनकी शादी हो जाती है तो वो इस तरह का कोई काम नहीं करती हैं। छतरपुरा इस गांव का नाम है, मंदसौर ज़िले में पड़ता है लेकिन मूलभूत सुविधाओं से महरूम है और गांव में बिजली पानी की समस्या है। जब आप इस गांव में आते हैं तो पहले जब आपकी गाड़ी आएगी तो कुछ आँखें होती हैं जो आपको उस निगाह से देखती हैं कि क्या ये कोई ग्राहक तो नहीं आया है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां और जो महिलाएं होती हैं वो सड़क किनारे खड़ी होती हैं। जब आप कैमरा ऑन करते हो तो वो कैमरे से भागती हैं। कुछ जो हिम्मत वाली हैं उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने बताया कि उनकी समस्या क्या है उनकी मांगे क्या है। मध्य प्रदेश में MP में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, पिछले 18 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, बीच में 1.5 साल कमलनाथ रहे, लेकिन
इस गांव को अपनी मूलभूत ज़रूरतें पूरी करने के लिए राजस्थान जाना पड़ता है, बगल में रेलवे की फटकी है और वहां से वो पानी लेने जाते हैं और तमाम चीज़ें लेने जाते हैं। आपको ये पूरी रिपोर्ट, पूरी बातचीत, समाज का ये एक पहलू जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की चुनाव यात्रा के दौरान, इनकी भी एक आवाज़ है, इनका भी वोट है और हर एक वोट कीमती है, तो इनका भी वोट उसी कीमत पे तोला जाना चाहिए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी जीत है। आपको ये पूरी रिपोर्ट, पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।